हेलो माय ब्यूटीज़, कैसे हो आप सब। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ विंटर ग्लोइंग मेकअप लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। विंटर्स में फर्स्ट स्टेप मस्ट होता है कि आप अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो और अच्छी सी क्वांटिटी में लेके लगाना। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स बीबी क्रीम। ये भी मेरी फेवरेट है। कभी भी मुझे कन्फ्यूजन होता है तो मैं पॉन्ड्स बीबी क्रीम उठा के एंड आई जस्ट अप्लाई टू माई फेस। इट गिव्स माई फेस सो मच ग्लो, मतलब आपको ऐसा ही लगेगा इतना ज़्यादा ग्लो कैसे आ गया। सो ऑल ओवर फेस पे डॉटर्स करके अप्लाई कर लो। उसके बाद में एक ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लो। ये इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी आपके फिंगर्स से भी ब्लेंड हो जाएगा। सो गर्ल्स, इस ग्लोइंग मेकअप के लिए मैंने केवल 4 मेकअप प्रोडक्ट्स ही यूज़ करे हैं। कंसीलर की जगह ही मैं पॉन्ड्स बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। इससे आपको कंसीलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली और सारे डार्क स्पॉट्स वगैरह भी इससे इजीली कवर हो गए हैं। नाउ मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फेस पे भी इसको कर रही हूँ। आप देख रहे हो अभी पूरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है मेरा। अब मैं मेबेलिन की लिप बाम लगा लूँगी। विंटर्स में सबसे पहले इसको लगा लिया करो। आफ्टर दैट अप्लाई पाउडर। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रोज़ पाउडर। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है। इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया है। इसमें एक पफ दिया हुआ है, उसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। पैट पैट करके पाउडर पिक कर लो और फिर फेस पे डैब डैब करके लगा लो। फिर इसी पफ की हेल्प से इसको ईजिली से ब्लेंड कर लो। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। फुल फेस अपना कवर कर लेना, मतलब एकदम अच्छा ग्लोई लुक देगा और एक रोज़ी पिंक शेड भी फेस पे छोड़ देता है। तो ये काफ़ी मुझे पसंद है। इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप चेकआउट कर लो। सारी प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन से मैंने बाय की है। इस टाइम पे सेल चल रही है अमेजोन पे, तो आप बाय कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो पूरा फेस कितना अच्छा ग्लोई लग रहा है, ब्राइटन अप लग रहा है। नाउ मैं कलर बार की ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ द चॉकलेट शेड में। इससे मैं जो है अपने आईलिड्स पे आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो गाइज, विंटर्स में अगर आप चौकी आई शेडोज यूज़ नहीं करें तो अच्छा होता है। आप किसी भी लिपस्टिक की हेल्प से अपनी आईज़ को जो है एक पॉप आउट कलर दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन कलर यूज़ किया है। विंटर्स के अकॉर्डिंग अच्छा रहता है। डार्क कलर की शेड्स बहुत ही मस्त लगती हैं। आप किसी न्यू ईयर पार्टी में भी जा रहे हो ना, तो भी इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लोगे तो बहुत ही अच्छा एक आई शेडो वाला ही लुक आपको दे देगी। इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल की लिपस्टिक इन द शेड, ये जो है मॉव शेड है पर्पल कलर का। तो मैं अभी इसे पूरी चीक्स पे अपने लगा रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरीके से, जो एक जो है बहुत ही प्यारा सा लुक प्रोवाइड करेगा। ऐसा लगेगा हमने ब्लश ही लगाया है। और विंटर्स में जो है चौकी ब्लश मत लगाओ, आप लिपस्टिक की हेल्प से ही हल्का हल्का हाथों से ब्रश की हेल्प से ऐसे ब्लेंड कर लो। बिल्कुल आपको ब्लश वाला ही इफेक्ट देगा ये। अभी आप देख रहे हो कितना अच्छा लुक आया है। दोनों साइड पे हम ब्लेंड कर लेंगे इसको। आफ्टर दैट गाइज, आई एम यूजिंग दिस एस क्यू बेड एस काजल। इससे जो है मैं अपनी वाटर लाइन पे सबसे पहले काजल अप्लाई करूंगी। तो आप जो है स्ट्रेच करते हुए अपनी आई को और ऐसे काजल अप्लाई कर लो अंदर की साइड में, जिससे कि आपकी आईज जो है वो बिगर लगती हैं। ओके गाइज, ये भी काजल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये स्मच प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी है। अब इसी की हेल्प से मैं जो है अपना आईलाइनर पुट ऑन कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं इस तरीके से पुट ऑन कर रही हूँ। आपको बिल्कुल ही प्रिसाइज लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम इसको स्मच करेंगे, एक स्मोकी इफेक्ट देंगे। तो फिंगर से मैं अपनी इसको एक स्मच इफेक्ट दे रही हूँ। हल्का हल्का हाथों से स्मच कर लो, बाहर की तरफ निकाल लो। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड हो जाता है। ओके, नाउ अब मैं इसी की हेल्प से जो है आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। सो दिस टाइम मेरी आईब्रोज जो है बहुत ही ज़्यादा थिन बनी हुई हैं। तो आप भी अगर ध्यान रखो थिन बनी आईब्रोज, तो ज़्यादा ओवरडन मत करो। हल्के हल्के हाथों से बस गैप्स फिलिंग कर लो एंड देन यू आर गुड टू गो गाइज। थोड़ा सा अगर बाहर निकल भी जाए तो फिंगर की हेल्प से उसको क्लीन आउट कर सकते हो। देन इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ वही रेवलॉन की लिपस्टिक। आप देख सकते हो इन द शेड चॉकलेट ब्राउन। मैं सबसे पहले ये वाली लिपस्टिक लगाऊंगी, देन इसके ऊपर मैं एक दूसरी लिपस्टिक भी अप्लाई करूंगी, जिससे कि बहुत ही ब्यूटीफुल शेड मुझे मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपर लिप पे लगाते हुए देन आप लोअर लिप पे अपने अप्लाई कर लो। बहुत ही ब्यूटीफुल शेप आ जाती है। ये वाली जो लिपस्टिक है ना गाइज, ये लिटिल बिट थोड़ी सी यू नो मैं बोलूँगी मैट नहीं है, इसीलिए जो है थोड़ा सा ये आउटसाइड निकल रही है। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी एंड में, आप ज़रूर उस ट्रिक को फॉलो करना, जिससे कि आपकी जो लिपस्टिक है वो बाहर नहीं निकलेगी अगैन एंड अगैन। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्पल की जो पर्पल वाली लिपस्टिक है पर्पल शेड में वो, बिकॉज इससे जो है शेड बहुत ही ब्यूटीफुल आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो हल्की सी जो है मेरी लिपस्टिक आउटसाइड निकल गई है, ब्लीड हो रही है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी आपको क्या करना है। आपको जो पाउडर है ना उसमें ना ब्रश डिप कर लो
और फिर इसी ब्रश की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से जो है अपने लिपस्टिक पे आप इस तरीके से अप्लाई करो। इससे आपकी लिपस्टिक जो है मैट भी बन जाएगी और बिल्कुल भी ब्लीड नहीं होगी, मतलब बाहर नहीं निकलेगी, और कलर भी जो है एकदम सटल टाइप का हो जाएगा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप ये ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना, लॉन्ग लास्टिंग भी लिपस्टिक बन जाती। एंड वाई टू वेस्ट दिस, अप्लाई कर लो अपने चीक्स पे और ज़्यादा रोजी ग्लो देने के लिए। ओके गर्ल्स, तो यहाँ पर हो चुका है मेरा मेकअप फुल ऑन। कितना ग्लोई मेकअप लग रहा है, मतलब बिल्कुल ब्राइटन अप हो गया है फेस। आई जस्ट लव दिस मेकअप। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगी ऐसी किसी और प्यारे से वीडियो मेकअप के साथ में। और येस, टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय।